हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2019 हरियाणा में दुष्यंत चौटाला होंगे डिप्टी सीएम। राज्यपाल ने मनोहर लाल खट्टर को दिया सरकार बनाने का न्योता। जी हां दोस्तों, हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मनोहर लाल खट्टर को सरकार बनाने का न्योता दिया है। इससे पहले खट्टर ने राज्यपाल से मिलकर 57 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रविवार को सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। खट्टर ने यह भी कहा कि मंत्री शपथ लेंगे या नहीं यह कल ही तय होगा। खट्टर ने कहा कि हरियाणा के डिप्टी सीएम जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला होंगे। खट्टर ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह रविवार दोपहर 2:15 पर राजभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला, 2.5 साल और 2.5 साल सीएम का फार्मूला नहीं तो सरकार भी नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में जैसा कि लग रहा था कि पेच फंसने वाला है वैसा ही हुआ। बीजेपी और शिवसेना सरकार गठन की कोशिशों में बड़ा पेच फंस गया है। दोस्तों शिवसेना विधायक की दल की बैठक में फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र में 2.5-2.5 साल के फार्मूले पर ही सरकार बनेगी। शनिवार को हुई इस बैठक में फैसला किया गया कि गठबंधन सरकार में बीजेपी शिवसेना के सीएम 2.5-2.5 साल तक रहेंगे। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि जब तक अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस लिखित में नहीं देंगे तब तक सरकार नहीं बनाई जाएगी। दोस्तों शिवसेना नेता प्रताप सरनाइक ने कहा कि हमारी बैठक में यह फैसला किया गया है कि जैसे अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले 50-50 फार्मूले का वादा किया था, उसी तरह दोनों सहयोगी दलों को 2.5-2.5 साल तक सरकार चलाने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से लिखित में आश्वासन मिलना चाहिए। यानी दोस्तों महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच पेच फंस गया है। शिवसेना का कहना है कि 2.5 साल तक तो बीजेपी का सीएम रहेगा, लेकिन उसके बाद 2.5 साल तक शिवसेना का सीएम भी रहना ही चाहिए। अब दोस्तों क्या होता है, क्या भाजपा और शिवसेना में इस बात पर सहमति बनती है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त के साथ पता चल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मनाई दिवाली, कहा अमेरिका में दीपावली मनाना धार्मिक आजादी की याद दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को दिवाली की बधाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ओवल ऑफिस में भारतीय अमेरिकी लोगों के छोटे से ग्रुप के साथ दिवाली मनाई। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं, जैनियों, सिखों और बौद्धों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरे अमेरिका में दिवाली मनाना हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत धार्मिक स्वतंत्रता की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रशासन हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करता है और करता रहेगा, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को अपने विश्वास और विवेक के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। बेनामी संपत्ति से निपटने के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान, आधार से लिंक होगी अब प्रॉपर्टी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़ा और बेनामी संपत्ति से निपटने के लिए मोदी सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। दोस्तों केंद्र सरकार प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए एक कानून ला रही है, जिसमें अपनी फिक्स स्टेटस के मालिकाना हक के लिए उसको आधार से लिंक कराना जरूरी होगा। इससे दोस्तों जमीन मकान की खरीद में धोखाधड़ी रोकने के साथ ही बेनामी संपत्ति का भी खुलासा होगा। दोस्तों दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए कानून पर ड्राफ्ट तैयार हो गया है और 5 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी भी गठित हो चुकी है। कमेटी राज्यों से समन्वय करेगी, क्योंकि प्रॉपर्टी से जुड़े मामले राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, इसलिए केंद्र सरकार मॉडल कानून बनाकर राज्यों को देगी। यानी कि दोस्तों अब प्रॉपर्टी भी आपकी आधार कार्ड से लिंक हो जाएगी। इससे अब आपको जब भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अपने आधार कार्ड का लिंक जरूर कराना होगा और सरकार को भी पता रहेगा कि आपके आधार कार्ड से कितनी प्रॉपर्टियां खरीदी जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पीएमसी बैंक के खाता धारकों का मुंबई में प्रदर्शन है जारी, सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। जी हां दोस्तों, पीएमसी बैंक के खाता धारक आज मुंबई के
अंधेरी ईस्ट पूनम नगर पीएमसी बैंक के बाहर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने एक ड्रेस कोड भी तय किया। दोस्तों प्रदर्शन के दौरान सभी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। दोस्तों भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मुंबई विधानसभा चुनाव में इस बार 1 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि नोटा का इस्तेमाल करने वाले मतदाताओं में से अधिकतर पीएमसी बैंक के खाता धारक हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरबीआई ने पीएमसी बैंक को अवैध यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया है और उसके सभी खाता धारकों को शुरुआत में 6 महीने के अंदर 10,000 रुपए, लेकिन बाद में इस राशि को बढ़ाकर 20,000, 40,000 और अब 60,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों अब एक खाता धारक 6 महीने के भीतर केवल 60,000 रुपए ही पीएमसी बैंक से निकाल सकेगा। इसी के विरोध में पीएमसी खाताधारकों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद दोस्तों रुक करें अगली बड़ी खबर का, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर दोस्तों अभी तक आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से किया हमला, 6 जवान हो गए घायल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के काका सराय इलाके में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 6 जवान घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। अभी पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना के अनुसार शनिवार को आतंकवादियों ने काका सराय इलाके में सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड से हमला किया। इसमें 6 जवानों के घायल होने की सूचना मिल रही है। फिलहाल दोस्तों किसी भी आतंकवादी को पकड़ा नहीं जा सका है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर, खुशखबरी। दिल्ली में 73 रुपए के नीचे आया पेट्रोल, डीजल के दाम में भी आज हो गई कटौती। जानिए आज के पेट्रोल डीजल भाव। जी हां दोस्तों, दिवाली पर आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरे दिन कटौती हुई है। दोस्तों आज दिल्ली में 1 महीने बाद पेट्रोल का भाव 73 रुपए प्रति लीटर के नीचे आ गया। वहीं दोस्तों दूसरी ओर डीजल के दाम 66 रुपए के नीचे लुढ़क गए। दोस्तों बात करें आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर रही, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 65 रुपए 95 पैसे प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, धनतेरस पर ठंडा रहा बाजार, सोने चांदी की बिक्री 40% तक गिरी। जी दोस्तों, कमजोर मांग और कीमती धातु की ऊंची कीमतों से धनतेरस में सोने और चांदी की बिक्री में 40% तक की गिरावट होने का अनुमान है। धनतेरस पर सोना, चांदी और अन्य कीमती धातुएं खरीदना शुभ माना जाता है। हालांकि आभूषण कारोबारियों का कहना है कि इस बार देश भर के अधिकांश बाजार में ठंडा माहौल देखने को मिला है। दोस्तों बात करें आज के सोना और चांदी के भावों की, दोस्तों दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोना 220 रुपए बढ़कर 39,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों बात करें चांदी की, तो चांदी 670 रुपए की वृद्धि के साथ 47,680 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, रेसलिंग में झंडे गाड़ने वाली बबीता फोगट को नहीं मिली चुनावी अखाड़े में सफलता। जी हां दोस्तों, बबीता फोगट खेल की दुनिया में ऐसा नाम है जिसे हर भारतीय बहुत गर्व के साथ ले सकता है। दोस्तों बबीता ने खेल की दुनिया में अपना परचम लहराया है, भारत का नाम पहलवानी की दुनिया में ऊंचा किया है, लेकिन अपनी ही जमीन पर वह ढेर हो गई है। दोस्तों बबीता फोगट ने दादरी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और परिणाम आए तो वह 3rd नंबर पर आई। जी हां दोस्तों, चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही रेसलर यानी कि कुश्ती पहलवान बबीता फोगट हार गई है। यहां की जनता ने उन्हें अनुमान के मुताबिक वोट नहीं दिए और वह बुरी तरह से हारी है। चुनाव में किस्मत आजमाने के चक्कर में खिलाड़ी बबीता की सरकारी नौकरी भी चली गई। चुनाव लड़ने के लिए बबीता ने हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का, भारतीय कोच रवि शास्त्री बोले, धोनी ने देश को बहुत कुछ दिया है, उनके संन्यास की इतनी जल्दी क्यों है।
जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली की नियुक्ति भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने की दिशा में एक सही कदम है। शास्त्री ने साथ ही महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर उन पर सवाल उठाने वालों की भी आलोचना की है। दोस्तों, रवि शास्त्री ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि BCCI अध्यक्ष बनने के लिए मैं सौरव को दिल से बधाई देता हूं। उनकी नियुक्ति भारतीय क्रिकेट को सही दिशा में आगे ले जाने के लिए एक बड़ा संकेत है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा से ही एक स्वाभाविक नेता रहे हैं, उनके जैसा शख्स इस पद के लिए सही है। उन्होंने इससे पहले बंगाल क्रिकेट संघ को भी 4-5 साल तक बतौर अध्यक्ष अपनी सेवाएं दी है। ऐसे में अब BCCI के अध्यक्ष के तौर पर उनका चयन होना भारतीय क्रिकेट के लिए सही कदम है। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधरा भारत, 14 अंक की लगाई छलांग। जी हाँ दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत की स्थिति लगातार सुधर रही है। भारत ने इस मामले में एक बार फिर लंबी छलांग मारी है। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 14 अंकों के सुधार के साथ 63वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल भारत 77वीं रैंकिंग में था। वर्ष 2017-18 की लिस्ट में भारत की 100वीं रैंकिंग थी। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों, अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के अभी हाल फिलहाल में जो राष्ट्रपति है उनका नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।